भारी बारिश से त्रस्त मुंबई से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। मुंबई के अंधेरी में बुधवार को नाले में गिरने से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। दरअसल मुंबई पुलिस ने मामले में बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी और एक ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं बीएमसी ने भी देर रात हुई इस घटना की जाँच के आदेश दिए। पीड़िता की पहचान विमल अनिल गायकवाड़ के रूप में हुई है। महिला के पति ने इस संबंध में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। भारी बारिश के दौरान महिला अंधेरी ईस्ट में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम भवन के गेट नंबर 8 के पास एक ओवरफ्लो मेन होल में गिर गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने उन्हें कूपर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने के बाद महिला के पति ने बताया कि विमल परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने वाली महिला थी। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं, मेरी पत्नी हमारे घर की देखभाल करती थी, हमने सब कुछ खो दिया। मैं चाहता हूं कि जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हमने एफआईआर दर्ज कराई है। लापरवाही के आरोपों का सामना कर रही बीएमसी ने कहा कि उसने एक डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी। बीएमसी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि 3 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है। जोन 3 के डिप्टी कमिश्नर देवीदास क्षीरसागर समिति की अध्यक्ष करेंगे, जबकि मुख्य अग्निशमन अधिकारी रविन्द्र अम्बुलकेरकर और चीफ इंजीनियर अविनाश तांबे अन्य 2 सदस्य होंगे। गौरतलब है कि भारी बारिश की वजह से देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल की पटरियां सड़कें जलमग्न हो गई और यातायात ठप हो गया। कम से कम 14 आने वाली उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है। इस साल मुंबई में अलग अलग घटनाओं में मेन होल में गिरने से कम 7 मौतें दर्ज हुई हैं। नाले में हुई मौतों के बाद बस शहर के मेन होल कवर की चोरी के मामले भी सामने आई हैं। 2023 में मुंबई में 791 मेन होल कवर चोरी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।